लोकसभा इलेक्शन के चलते गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा की लीडरशिप में यूथ कांग्रेस कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें अली जैदी को गुलबर्गा नॉर्थ मोमिनपुरा ब्लॉक यूथ वाइस प्रेसिडेंट के अहदे से नवाजा गया है। इस मौके पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट शिवानंद हुनगुंटी, कर्नाटका यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट इरन्ना जालकी, तेलंगाना महाराष्ट्र मीडिया कोऑर्डिनेटर चेतन गोनायक, मोमिनपुरा ब्लॉक कांग्रेस यूथ प्रेसिडेंट शकील सरटगी, उवेश शेख, अजीम शेख, अलमदार जैदी, जमील सरटगी, अबरार जैदी और दीगर मोमिनपुरा इलाके के नौजवान यहाँ मौजूद थे। तमाम की मौजूदगी में अली जैदी को मोमिनपुरा ब्लॉक कांग्रेस यूथ वाइस प्रेसिडेंट के अहदे से नवाजा गया है। अली जैदी ने इस मौके पर एक जिम्मेदार अहदे से नवाजे जाने पर खुशी का इजहार कर नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा, फराजुल इस्लाम, मजहर आलम खान, नईम खान, सैयद अहमद, वाहिद अली फातेह खानी, अजमल गोला, शिवानंद हुनगुंटी, इरन्ना जालकी, चेतन गोनायक, शकील सरटगी, उवेश शेख, अजीम शेख और दीगर कांग्रेस लीडर का शुक्रिया अदा किया है। इस प्रोग्राम में तमाम यूथ लीडर्स ने मौजूदा सियासी हालात पर बात कर जमीनी सतह पर काम करते हुए राधा कृष्णा डोटेमने जी को लोकसभा इलेक्शन में भारी बहुमत के साथ लीड दिलाने का भरोसा दिलाया है। मजीद इस प्रोग्राम में तमाम लीडर्स के अलावा अली जैदी और आलमदार जैदी ने क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय सबा इंटरनेशनल स्कूल गुलबर्गा, स्टूडेंट्स गेटिंग बोथ इस्लामिक एंड मॉडर्न एजुकेशन फ्रॉम वेल क्वालिफाइड टीचर्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स एंड रिसीव केयर फ्रॉम डेडिकेटेड स्टाफ, एयर कंडीशनर, स्मार्ट क्लासेस, एडमिशन आर नाउ ओपन, कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स। जो हमारे आजिम भाई थे, वो 20 साल से कांग्रेस में हो, लेकिन युद्ध का जो फीलिंग है उन्होंने ये बयान कर दिए और उनका हौसला देख के मैं आगे बहुत एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। हमारे अली जैदी में भी होता है स्पिरिट रहेगा बोल के मैं ये करता हूँ। और यहाँ पे सभी जने नौजवान है, हम यूथ कांग्रेस के प्रोग्राम पे है, हम पढ़े लिखे लोग यंगस्टर्स रहते, बुजुर्ग रहते, कौन भी रहते, एक अनपढ़ के हाथ में देश दे सकते हैं क्या हम? हम जात पे या पार्टी पे डिफरेंस ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन देश एक पढ़ा लिखा के हाथ में देना है तो हम पढ़े लिखे लोगों कुछ बन सकते हैं या कुछ उम्मीद रख सकते हैं। एक अनपढ़ के हाथ में हमारा देश दिया तो क्या हो रहा है, ये 10 साल से हम सब जने देख रहे हैं। जो देश का प्रधानमंत्री उन क्या कर रहा है आज की डेट में बोले तो, उसके जो ITSL ट्रोल्स और जो अंधभक्त रहते हैं, फर्स्ट एक एजेंडा सेट करते हैं, उन्होंने एजेंडा सेट करके ग्राउंड पे छोड़ते हैं एजेंडा, छोड़ने के बाद ऊपर से वही एजेंडा स्पीच के थ्रू आते हैं या कौन से तो सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं। ऑलरेडी पब्लिक क्या सोच रहे, हम जो फील कर रहे थे वही जो हमारा देश का प्रधानमंत्री बोल रहा, ऐसा गुमराह करते हैं, ऐसे ट्रैप करते हैं हमको, हमारी सोच को। और इनका मेन मकसद है हमें साइकोलॉजिकली गुलाम बनाना बोल के। मैं बोलता हूँ मोदी जी और बीजेपी वाले, हिंदू मुस्लिम का जो फ्रेंडशिप है, जो ब्रदरहुड है, वो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। क्योंकि और मैं बोलता हूँ मोदी जी और बीजेपी वाले बोलते इस बार 400 पर कैसा होता, साउथ इंडिया में 166 है, 160 में ज्यादा 15 से 16 सीट जीत जाते हो लोग 160 में, और नॉर्थ इंडिया में सिर्फ वो 416 सीट है, 416 में सिर्फ 330 कंटेस्ट किया है लोग, 330 कंटेस्ट है, 300 में उधर वो 200 जीत गए तो भी 400 बार होता है, इसलिए वो 400 बार नहीं 200 बार भी नहीं होता है। इस बार कांग्रेस का चांस है, इस बार हम सब लोग जैसे इरन्ना साहब बोले, शकील साहब अभी अब नया टीम बना रहे, पहले भी हम उधर आपका साइड के कॉलेज में फंक्शन हुआ था, अब जैदी जैसा नया नौजवानों हमसे जुड़े तो हमारा स्ट्रेंथ होता, बिकॉज कांग्रेस पार्टी से फैमिली, कांग्रेस पार्टी एक फैमिली जैसा है, हमारा फैमिली बढ़ रहे बोल के मुझे खुश हो रहा है, और उनको वेलकम करते हैं नौजवानों को। मेरा दो के मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप नौजवानों का हौसला है, आप नौजवानों का हौसला है। अगर अली की, अलमदार जैदी की अगर आपको इज्जत रखना है तो इस मोमिनपुरा ब्लॉक से 90 से 95% पोलिंग आपको करके बताना है। जब इन यूथ कांग्रेस के लीडर्स ने जो आज अली जैदी को जो पोस्ट देने का जो डिसीजन लिया है उसको 100% अगर आप साबित करना चाहते हैं तो 90 से 95% पोलिंग आप लोगों को करना होगा। हमारे सामने 7 मई को एमपी इलेक्शन हमारे सामने है, और खड़गे फैमिली की तरफ से
बहुत ही अच्छा गिफ्ट हम लोगों को दिया है आर के साहब के रूप में। आर के साहब हमेशा से किंग मेकर का काम किए हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का इलेक्शन हो, चाहे वो प्रेम खड़गे जी का इलेक्शन हो, आज वो खुद मैदान में है। हम आए दिन देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये नहीं बता रहे हैं कि 10 सालों में उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा था अब नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, उस हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ रोजगार उनको देना चाहिए था, पर वो अपने भाषण में ये नहीं कहते कि उन्होंने कितने करोड़ लोगों को रोजगार दिया। वो झूठे वादे आप लोगों के बीच में लेकर आते हैं, हर बार झूठी करते हैं। आप लोग अगर पुरानी पिक्चर देखते होंगे तो आज के जो मोदी के भक्त है उनकी हालत पुरानी पिक्चर के हीरोइन जैसी हो गई है। पूरी दुनिया को यह पता होता था कि उसका बाप झूठा है, गुंडा है, स्मगलिंग करता है, पर उस हीरोइन को नहीं मालूम होता था। आज उन अनभक्तों की हालत उसी तरीके से हो गई है। कोई मीडिया वाला नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हुआ नजर नहीं आता कि आप 10 साल में आपने क्या किया, आपने जो वादे किए थे उसमें से कितने परसेंट आपने पूरे किए, ये उसके सामने ये सवाल कोई पूछता हुआ नजर नहीं आता, ना ही नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब देते हुए नजर आते हैं। नरेंद्र मोदी जी या तो उनकी सरकार जब से बनी उससे पहले की बात करेंगे या अभी आने वाले 2025-26 उसकी बात करेंगे। ये इलेक्शन वजूद का इलेक्शन है हमारे, ये इलेक्शन सेक्युलरिज्म को बचाने का इलेक्शन है, ये इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का इलेक्शन है। इसके लिए आज आप देखिए मैडम अपने इलेक्शन में एमएलएल इलेक्शन में इतना पदयात्रा नहीं करें, आज ऐसा कोई वार्ड नहीं है, आज ऐसी कोई गली नहीं है जो मैडम हर डोर पे जाकर, ये आप लोगों की वजह से, ये आप लोगों की तरफ से मैडम हर घर जाकर कर रहे हैं। साउथ के एमएलए आलम प्रभु साहब वो हर घर जाकर समझा रहे हैं कि ये वोट की जरूरत क्या है, ये वोट क्यों इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर मैंने समझता कि उन्होंने रोज 2 घंटे सो रहे हैं, मैं रात में 1-2 बजे भी देख रहा हूँ वो कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, फिर सुबह 6 बजे वो रेडी होकर फिर निकल रहे हैं फील्ड पर। तो ये लोगों की कोशिश यही है कि देश के कानून को बचाया जाए। अंबेडकर साहब जो हमें संविधान दिए हैं इसको इसकी रक्षा करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अब मैं जो हमारे कैंडिडेट है उनके ऊपर आपको 2 बात करता हूं। राधा कृष्ण साहब हमारे जो कैंडिडेट बने हैं इतने परफेक्ट कैंडिडेट है, वो अब तक किंग मेकर थे, अब तक वो किंग मेकर थे, लेकिन अब उनको किंग बनाने की जिम्मेदारी आप नौजवानों की है। जो अपने पर्दे के पीछे रहकर 40 साल एक कैंडिडेट को जिताते आ रहा है, कई इलेक्शन जिताते आ रहा है, तो आज वो समझिए हमारे बीच में है तो हमारे लिए क्या नहीं कर सकता। और ये बीजेपी वालों को जब एक क्वेश्चन मीडिया की तरफ से किया जाता कि आपके 5 डेवलपमेंट क्या है, बोले तो हमारे सिटी के प्रेसिडेंट बोलते बीजेपी के 2 ट्रेन लाए, 60 की स्पीड से चलती है, 120 की स्पीड से चलती है। खड़गे साहब रेलवे मिनिस्टर थे, 38 ट्रेन गुलबर्गा से स्टार्ट करे लेकिन कभी झंडा नहीं बताया। ईएसआई हॉस्पिटल 3000 करोड़ का हॉस्पिटल आया, कभी उन्होंने ये नहीं बोले कि मैं इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या आना मामली बात है गुलबर्गा में, रेलवे डिविजनल बनना ये क्या मामली बात है। अरे ट्रेन, ये लोग ट्रेन चला नहीं सकते, वो नई ट्रेन है तो जहां बोले एक्सीडेंट ही छोड़ा उसका, गई तो आती बीच में भैंस तो आती, हमारे ट्रेन हमारी है, पटरी हमारी है, ये चुप नई ट्रेन लाके 2 दिन चलाते बंद कर दे। और एक एक नौजवान अपने घर के राइट साइड के 5 घर की जिम्मेदारी ले और लेफ्ट साइड के 5 घर की जिम्मेदारी ले, वो लोग जाकर वोट डाले या नहीं डाले, वो लोगों को इलेक्शन में आप पोलिंग बूथ तक उन्हें पहुंचाए, पहुंचाकर मोमिनपुरा ब्लॉक से अगर हम सबसे ज्यादा पोलिंग करते हैं तो ये तमाम लोगों की इज्जत है, ये तमाम लोगों का नाम ऊंचा होता। हमारे जो नॉर्थ के अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष शकील सरड़ी साहब, उनका नाम ऊंचा होता। अगर हमारे हमारे पार्टी को कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है तो आप लोग उस वक्त रात में 10-11 बजे सो जाए, सुबह 6 बजे उठिए, सारा दिन पोलिंग हुए तक हर घर जाकर मेहनत कर ज्यादा से ज्यादा पोलिंग कराए। और मेरे लोगों को आप लोगों की वजह से लोगों के से वादा करता हूं कि मोमिनपुरा में सबसे ज्यादा लीड देंगे और इंशाल्लाह हमारे को जो गुलबर्गा नॉर्थ आता, गुलबर्गा नॉर्थ से 40,000 की लीड देने की हम कोशिश कर रहे हैं और 100% दे के बताएंगे। आप लोग रात में सुबह 4 बजे तक जागो बोल तो जाते हैं, अगर सुबह जाए तो फिर शाम में छूटते, वोटिंग खत्म हो सर तो जब तक
वो एक हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूँ मैं, आप रात में सो जाओ, सुबह जल्दी उठो एक चार पाँच दिन के वास्ते। फिर इधर आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों दोस्त आ रहे थे, वो सबको लेके आप वोटिंग तक, वोटिंग बूथ तक पटा के उन्होंने वोट डाले के नहीं, वो थोड़ा पहले देखो, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा करो। फिर आप दूसरे गांव में उधर इधर रहते हो, वो उन्होंने दिए तो चम उसको मंगाना उसका, वो ये सोचो नको, आपका फैमिली रहता आपका फैमिली को आप बुलाओ, बुला के वोट डालने लगाओ। फिर देखो कितना भी हमारे हिंदू मुस्लिम दोस्तों में कितने लोग सेकुलरिज्म चाहते हैं, वो लोग आपका बात भी सुनते हैं 100%, आप बोले तो 100% सुनते, उनका फैमिली का भी वोट डालने लगाओ। मैं पहले तो अल्लाह ताला, मैं तो पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद मेरे वालिद मोहतरम मरहूम सैयद मज़हर अहमद सैदी साहब का शुक्रगुजार करता हूँ। आज उन्होंने जो गुलबर्गा शहर में जो अपना नाम रख कर गए थे और कांग्रेस पार्टी में बहुत साल काम करने के बाद आज मुझे इस पोस्ट से नवाजा गया, और मैं मोहतरमा कनीस फातिमा एमएलए गुलबर्गा नॉर्थ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद मदर आलम खान कलबुर्गी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और गुलबर्गा यूथ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शिवानंद मुंडी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट किरणनाथ जालगी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, गुलबर्गा नॉर्थ मोमिनपुरा ब्लॉक के प्रेसिडेंट शकील सरेडगी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद अवेश शेख गुलबर्गा साउथ यूथ कांग्रेस लीडर उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद मेरे भाई अजीम शेख कांग्रेस लीडर उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, चेतन गोकर्णनाथ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो पोस्ट मुझे मिली है, मैं समझता हूँ कि ये इस पोस्ट का हकदार मैं नहीं, बाकी ये मेरे जो पूरे साथी है उन्होंने भी इस पोस्ट के हकदार है, और मेरे तमाम वार्ड के लोग इस पोस्ट के हकदार है, और मैं मेरे बड़े भाई वार्ड नंबर 24 के जो कॉरपोरेटर है अलमदार तेजी साहब उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उनको मैं देखते हुए उनको नक्शे कदम चलते हुए आज मैं ये पोस्ट हासिल करा हूँ, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस पार्टी का एक हिस्सा हूँ। कांग्रेस पार्टी हर मसलक की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान की पार्टी है, तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं तमाम मेरे नौजवानों साथियों का और मोमिनपुरा ब्लॉक के जो यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं और मेरे साथी, मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि इस आने वाले 7 मई को MP इलेक्शन का जो वोटिंग है, उस तमाम वोटिंग के दिन मेरे तमाम यूथ कांग्रेस के मोमिनपुरा ब्लॉक के मेंबर्स से गुजारिश करता हूं कि तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा राधा कृष्ण साहब को वोट डालकर कामयाब बनाएं। आज यूथ कांग्रेस की जानिब से वार्ड नंबर 24 में एक मीटिंग की गई, एक बेहतरीन शानदार मीटिंग की गई यूथ कांग्रेस की तरफ से, कि कैसा कैसा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया है, किस तरीके से वोटिंग करें, यूथ को ये ट्रेनिंग दी गई, जिसमें यूथ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट शिवानंद साहब और ईरणा पाटिल साहब, चेतन साहब जो हमारे महाराष्ट्र के और नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया के, और जनाब अवेश शेख साहब, शकील सरडगी साहब नॉर्थ ब्लॉक प्रेसिडेंट मोमिनपुरा, तमाम लीडर्स मौजूद थे। एक बेहतरीन मीटिंग हुई है। मीटिंग के बाद मेरे छोटे भाई जनाब अली जदी साहब को कांग्रेस के गुलबर्गा नॉर्थ मोमिनपुरा ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, जिस इस खुशी में मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। और फिर इसके बाद मैं जो स्पेशल थैंक्स जिसे कहते हैं, एक खुशी जिसकी वजह से हुई, मैं मोहतरमा कनीस फातिमा मैडम का शुक्रगुजार हूं, फराजुल इस्लाम साहब का, जनाब मज़र आलम खान साहब का, वायद अली फ़ातेह खानी साहब का, जनाब अहमद साहब एक्स मेयर, और हमारे जैदुल इस्लाम साहब, ये तमाम लोगों का मैं शुक्र अदा करता हूँ, जिन्होंने बहुत सारा हमें पिछले कई दिनों से सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तमाम कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स को भी मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह ये मीटिंग में हमने एक यूथ ने, गुलबर्गा नॉर्थ के यूथ ने एक बेड़ा उठाया है कि हम इंशाल्लाह गुलबर्गा नॉर्थ से शकील सरडी साहब की टीम के साथ मिलकर इंशाल्लाह मैडम के हाथ मजबूत कर गुलबर्गा नॉर्थ से 40,000 की लीड देने का हमने तमाम ने वादा किया है। इंशाल्लाह पोलिंग को बढ़ाते हुए गुलबर्गा से आर के साहब जीत रहे हैं, आर के साहब जीतेंगे तो गुलबर्गा नॉर्थ से मैडम का नाम बहुत ज़्यादा होगा। मैडम एक मजबूत टीम के साथ इंशाल्लाह आने वाले कई सालों तक बरकरार रहेंगे इंशाल्लाह।
दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय सबा इंटरनेशनल स्कूल गुलबर्गा स्टूडेंट्स गेटिंग बोथ इस्लामिक एंड मॉडर्न एजुकेशन फ्रॉम वेल क्वालिफाइड टीचर्स इंडोर एंड आउटडोर गेम्स एंड रिसीव केयर फ्रॉम डेडिकेटेड स्टाफ एयर कंडीशनर स्मार्ट क्लासेस एडमिशन आर नाउ ओपन कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स